नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कृषि बिल को लेकर किसानों का गुस्सा अब सड़क की लड़ाई तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि हरियाणा के पानीपत में सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली रैली निकालने के लिए इकट्ठे हुए। किसानों को रोकने हरियाणा पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, साथ ही कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया। आपको यहां बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा नया कृषि कानून लाए जाने के बाद किसान प्रदर्शन करने में जुटे हैं। पानीपत की अनाज मंडी में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास की अगुवाई में किसान आक्रोश ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। यहां हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हुए और दिल्ली कूच की तैयारी करने लगे। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। किसानों के प्रदर्शन को कांग्रेस का साथ मिला। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक अध्यादेश वापस नहीं होता उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रहे किसान और कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका। डीएसपी सतीश वत्स ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के निर्देश दिए। कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली दिल्ली कूच करने के लिए जब संभालका पहुंची तो पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो वाटर कैनन से पानी की बौछारें की गई। पानीपत में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर पुलिस ले गई, जिन्हें पुलिस लाइन पर ले जाकर छोड़ा गया। इस दौरान संभालका विधायक धर्म सिंह छोकर, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुंडू मौजूद थे। युवा कांग्रेस के प्रधान सचिन कुंडू ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से पास किए गए 3 किसान विरोधी अध्यादेशों से प्रदेश का युवा व किसान वर्ग निराश है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सड़क से लेकर संसद से कांग्रेस पार्टी निर्णायक जंग लड़ रही है। आज पूरे देशवासियों ने खेती और मंडी विरोधी भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प एकमात्र ध्येय बना लिया है। जावांगे पार्लियामेंट जावांगे। उधर कैमरामैन है, बैरिकेड जिहड़ा हैगा सख्त कीता गया। कोई भी फिरकी हो गया तोड़ देंगे बैरिकेड। किसान साडी आत्मा, ये शरीर किस काम का जे आत्मा निकल गई। परवाह करने वाले नहीं है, असी सरकारी जबर ते जुलम का टाकरा करना कोई अज की गल नहीं, असी जानते हैं। एंड असी पार्लीमेंट का घराओ लाजमी कर जावे ही जावे, जरूर करा, क्यों नहीं करा। और करन असी एडी दूरों सैकड़े किलोमीटर असी करन की आए हैं। जे असी इन्हों का नाका देखना होंगे तो फिर असी उत्थे रह लेंगे। साहब दोनों पासे बैरीकेडिंग की गई, लोग नीचो पानी के विचों निकलने मजबूर ने। सो बड़ा दुख से अफसोस है, खट्टर की सरकार की अधिकार रखती है जी टी रोड रोकण का। दिल्ली की सरकार दे नाल साडा जिहड़ा आंकड़ा हैगा, दिल्ली की सरकार ने डैथ वारंट किसानों का मारू कानून बनाया, असी उहदे लई स्ट्रगल करते हैं। ये खट्टर अपने अकामां की चमड़ी बचाउण वास्ते भी उन्होंने सेक ना लगे। एंड दुख से अफसोस है कि डिप्टी सीएम साहब चुप बैठे आ, जिन्हों के दादे ने सिर तो हरी पगड़ी सारी उम्र लाई नहीं, अज वो डिप्टी सीएम आ, वो क्यों नहीं इंटरवेन करते भी तुम क्यों रोकते हो। पंजाब लोगों के देश के लोगों का ढिड भरन वाला किसान जो साढ़े को 47 तो बाद सही कुछ नहीं सी, अज तुम उस किसान नू मारन लई कारपोरेट नू उहदी संघी हाथ च फड़ाउण लगे हो। जावांगे असीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.